गुड मॉर्निंग बच्चों, निकाल लीजिए सेकंड क्लास की हिंदी की बुक। लेसन चल रहा है फर्स्ट, नया सवेरा। तो इसमें हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे, ये वाले भी हमने क्लियर कर लिए हैं। इसके बाद आते हैं, ये वाले भी कंप्लीट कर लिए। ये देखिए, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। कुछ कविता दी गई है यहाँ पे और ब्लैंक्स दिया गया है, इनको हमें भरना है। देखिए, लिखिए इसमें क्वेश्चन थर्ड वाले में। सूरज के आने से पहले, सूरज के आने, यहां तक दिया हुआ है। अब जो ब्लैंक्स दिया गया इनको क्लियर करना है। सूरज के आने से पहले, जैसा मैं लिख रही हूं वैसे ही आपको लिखना है। सूरज के आने से पहले लाली, लिखा हुआ है इसमें, लाली सी छा जाती है। आपकी कविता में ये दिया गया ना, छा जाती है। नेक्स्ट है, पूरब दिशा से पूरब दिशा में लाल गेंद की, लाल गेंद की किरणें अंधकार मिटाती है, मिटाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनको क्लियर करना है। जैसे ब्लैंक्स दिया गया था तो उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट में यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ब्लैंक्स था, यहाँ इसको पूरा किया है, तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है। जहाँ आपने रिक्त स्थान को पूरा किया है वहाँ आपको क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। किरणें अंधकार मिटाती है, तो मिटाती पे मैंने अंडरलाइन किया क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया था, ब्लैंक्स था तो हमने इसको पूरा किया है, तो इस पे अंडरलाइन आप कर लेना। ठीक है, ये अपनी कविता में से दिया गया है। सूरज के आने से पहले लाली सी छा जाती है, पूरब दिशा में लाल गेंद की किरणें अंधकार मिटाती है। तो ये आपकी किस में है, इस नया सवेरा कविता में दिया हुआ है। नेक्स्ट है भाषा और व्याकरण, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू।